तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि काली नेट हंटर नैनो क्या होता है, काली नेट हंटर मिनिमल क्या होता है और काली नेट हंटर फुल क्या होता है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा डाउनलोड करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर काले नेट हंटर या फिर काले लिनक्स को चलाना चाहते हो तो आप लोग क्या करते हो, उनकी वेबसाइट पे जाते हो और सिंपल से वहां पे एक लिंक उन लोगों ने दी होती है, आप लोग उस लिंक को कॉपी कर लेते हो। और कॉपी करके आप लोग उस लिंक को जैसे टर्मेक्स के ऊपर पेस्ट करके एंटर करते हो ना, आपको मिलता है तीन ऑप्शन। आप लोग यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे, इस टाइप का तीन ऑप्शन आपको दिखाया जाता है और वो लोग आपसे पूछते हैं कि अब चलो तुम बताओ, क्या तुम लोग काले लिनक्स का ये नैनो वर्जन करोगे या मिनिमल वर्जन करोगे या फुल वर्जन करोगे। अब यहीं पे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, उनको समझ में नहीं आता है कि भैया मैं नैनो करूं या मिनिमल करूं या फिर फुल करूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको नैनो करना चाहिए, मिनिमल करना चाहिए या फिर फुल करना चाहिए और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप लोग अपने हिसाब का काले नेट हंटर का वर्जन चूज कर सको और उसको इंस्टॉल कर सको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काले लिनक्स नैनो से। आपने मेन्यू में काले लिनक्स नैनो को चूज किया, इंटर किया, वो इंस्टॉल हो गया और आपने उसको रन किया। अब आप लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, सब दिल टूट जाएगा तुम्हारा, बकवास है, ठीक है। काले लिनक्स नैनो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ पे आपको भैया एक काले लिनक्स का शेल उन्होंने पकड़ा दिया है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने उसको इंस्टॉल किया, मैंने सोचा इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह तो होंगे, एक दो भैया चुन्नी मुन्नी छोटे से टूल डाल दिए उसके अंदर, पैकेजेस के नाम पे कोई पैकेजेस नहीं है, छोटा सा बस खाली शेल पड़ा है। अब जानते हो ऐसा क्यों किया गया है उसके साथ, ऐसी नाइंसाफी क्यों है उसके साथ, ये इस वजह से है क्योंकि ये जो काले लिनक्स नैनो बनाया गया ना, ये उन गरीब लोगों के लिए बनाया गया, सॉरी गरीब बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी फ़ोन की स्टोरेज कम होती है। भैया उनके फ़ोन में 3-4 GB बस इतनी सी खाली है, बाकी सारी स्टोरेज भरी है, या उनका फ़ोन काफ़ी ओल्ड वर्जन का है बट उन्हें काले लिनक्स का बहुत चस्का है। अब भैया चस्का है उनको तो क्या करें, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा ना, तो उनके लिए ये काले लिनक्स नैनो बना दिया गया कि भैया चलो तुम लोग भी चला लो यार, काले लिनक्स क्यों रो रहे हो, है कि नहीं। तो काले लिनक्स नैनो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फोन में स्टोरेज कम है, कम स्टोरेज है, सिर्फ और सिर्फ काले लिनक्स का शेल मिलेगा आपको, उसके अंदर छोटे मोटे अर्जी फर्जी टूल पड़े हुए हैं और पैकेजेस कुछ नहीं इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। आप लोगों को सब काम मैनुअल करना पड़ेगा और क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज ही आपके कम है तो कितना ज़्यादा काम मैनुअल करोगे, थोड़े बहुत कर पाओगे, फ़ोन की स्टोरेज भर जाएगी, काम खत्म। तो चलिए, आई होप सो कि आपको काले लिनक्स नैनो के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं काले लिनक्स मिनिमल के ऊपर। अब ये जो काले लिनक्स मिनिमल है ना, ये भी भाई काले लिनक्स नैनो से कुछ खास अलग नहीं है, इसके अंदर भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी वही काले लिनक्स का शेल आपको देखने को मिल जाएगा, टूल्स के नाम पे वही टूल्स शायद आपको देखने को मिलते हैं जो काले लिनक्स नैनो के अंदर थे, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ा दिए हों तो वो बात अलग है, बट इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है, इसके अंदर आपको पैकेजेस देखने को मिलते हैं। मैंने चेक किया था तो कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल्ड थे, तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस तो मिल जाएंगे बट कुछ खास एक्सपेक्टेशन मत रखना काले लिनक्स मिनिमल से भी। पता नहीं क्यों इसको बीच में रख रखा है, भैया नैनो की जगह मिनिमल को ही रख देते, कुछ खास अंतर तो लग नहीं रहा, बट मुझे अंतर आपको बताना ही है तो मैं यही बताऊंगा आपको कि भैया नैनो के पास जहां आप लोग 4 GB इंटरनल स्टोरेज वाले थे, वहीं काले लिनक्स मिनिमल को इंस्टॉल करना है तो भैया आप लोग 6 GB इंटरनल स्टोरेज वाले हो गए हो, है कि नहीं। थोड़े से अमीर लोग काले लिनक्स मिनिमल को इंस्टॉल करते हैं जिनके फ़ोन में 6 GB इंटरनल स्टोरेज होती है, बट अगर हकीकत बताऊँ, अंदर की बात बताऊँ तो 4 GB में भी ना काले लिनक्स मिनिमल बहुत ही आराम से इंस्टॉल होके चल जाएगा, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगी फिलहाल के लिए, अब बाकी आप लोग अपना बता देना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बॉस की तरफ। बॉस काले लिनक्स फुल, हाँ ये बंदे में कुछ दम है, काले लिनक्स फुल में तो दम है। इसके अंदर आपको काले लिनक्स के मैक्सिमम टूल्स मिलते हैं, वाओ सबके आंखों में तारे चमक गए होंगे, हाँ काले लिनक्स के मैक्सिमम टूल्स मिलते हैं, मैक्सिमम पैकेजेस मिलते हैं और एक खास चीज़ और जिसके ऊपर सबके मुंह से पानी टपक जाता है वो है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वाकई में यार हर कोई थंबनेल पे काले लिनक्स फ़ोन में इंस्टॉल करता है तो क्या लगाता है, बढ़िया सा डेस्कटॉप, चकाचक वहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है। लोगों को लगता है भैया मैं कंप्यूटर क्यों खरीदूँ, फोने में चल गया पूरा कंप्यूटर, अब तो बस माउस से इधर उधर खिसका के काम चला लूँगा। बिल्कुल ठीक है,
चला सकते हो, कर सकते हो, मैं भी ऐसे थंबनेल्स लगाता हूँ। तो ये खास चीज़ है, काले लिनक्स डेस्कटॉप भी आपको काले लिनक्स फुल के साथ मिलता है, बट यहाँ पे इतना सारा लेवरेज आपको मिल रहा है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो भाई क्या कुछ इंटरनल स्टोरेज का झोल है? बिल्कुल, यहाँ पे झोल है और बहुत बड़ा झोल है। जानते हो क्या, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि काले लिनक्स का जो फुल वाला वर्जन है ना, उसको अगर आपको परफेक्ट तरीके से चलाना है विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी हेजिटेशन, या फिर विदाउट एनी ये सोचते हुए अपने दिमाग में कि भैया मैं इस टूल को इंस्टॉल करूंगा कहीं इंटरनल स्टोरेज में कुछ इफेक्ट तो ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं सोचनी है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि फ़ोन में कम से कम 15 GB इंटरनल स्टोरेज खाली रखो। हाँ, 15 GB खाली रखो, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, वैसे मिनिमम तो भैया 13-14 GB होता है। मैं 1.5 GB एक्स्ट्रा और ले रहा हूँ, ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि कुछ अपने आप से आप लोग टूल्स पैकेजेस वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो वो 1.5 GB में समा जाएँ, ठीक है? तो आप लोग कम से कम 15 GB तो खाली रखो। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको सारे के सारे टूल्स मिल रहे हैं, सारे के सारे पैकेजेस मिल रहे हैं, प्लस इसके साथ आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिल रहा है, GUI मिल रहा है। यार यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसी टाइप का आपका काले लिनक्स हो जाएगा फोन के अंदर। तो आई होप सो कि आपके दिमाग में अब बिल्कुल अच्छे से घुस गया होगा कि आपको आपके हिसाब का काले लिनक्स कौन सा करना है, ठीक है? अगर आपका मन है नैनो करने का, अगर आप ये अपने दिमाग में लेके चलते हो यार मेरे फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज तो कम है मैं क्या करूँ, तो नैनो करो। अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि यार मेरे फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो भाई मिनिमल कर लो यार। बट अगर आप लोग गॉड लेवल वाले आदमी हो, आप लोग बॉस हो, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, आपको करना है काले लिनक्स फुल, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं सोचना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं ये सब करूं कहां से, आप सिखा दो ना, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक पूरी सीरीज प्लान कर रहा हूं जिसमें मैं आपको काले लिनक्स नैनो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सिखाऊंगा, काले लिनक्स मिनिमल कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सिखाऊंगा, प्लस काले लिनक्स का जो फुल वर्जन होता है ना उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी सिखाऊंगा। और एक चीज़ याद रखो, इसमें ये काले लिनक्स जो नैनो में इंस्टॉल करवा रहा हूं ना, ये गरीबों वाला भी इंस्टॉल करूंगा और अमीरों वाला भी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, काले लिनक्स नैनो तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप लोग एक प्रो बंदे हो, प्रो बंदे कैसे, मतलब प्रो बंदे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काले लिनक्स का शेल ले लिया, नैनो उन्होंने इंस्टॉल किया, शेल मिल गया, अब वो लोग अपने मन से, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, अपने मन से टूल्स इंस्टॉल करते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक करते हैं, अपने मन मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग काले लिनक्स नैनो इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप लोग पैकेजेस और टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप लोग नैनो के अंदर या फिर मिनिमल के अंदर ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता, ये हम लोग अपने आप से कस्टम इंस्टॉल करेंगे, और एक नहीं मैं आपको 3-4 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉल करना बताऊंगा। बट ये सीरीज आने में भी 3-4 दिन का टाइम है, ठीक है? तो अगर ये आ जाएगी तो एंड स्क्रीन जरा चेक कर लेना, और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक करते रहो, ठीक है? एंड स्क्रीन पे आ जाएगी वो प्लेलिस्ट, ठीक है? वहां पे जाकर के चेक कर लेना। बट अगर अभी आपको काले लिनक्स फुल इंस्टॉल करना है, तो काले लिनक्स को फुल तरीके से इंस्टॉल करने की एक मैंने गाइड बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो आप लोग मेक श्योर उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें और काले लिनक्स फुल को अपने फोन में इंस्टॉल करके मजे उठाएं। तो आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ भाई प्लीज़ एक काम कर दो यार, आप लोग सबसे पहले जाओ कमेंट में और लिखो काले लिनक्स और एक लाल कलर का दिल, प्लीज़ ये काम कर दो। कर दिया, अब भाई प्लीज़ एक काम और कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। भाई तुम लोग बड़े अजीब आदमी हो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं बोलता हूँ, भाई सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अगर सब्सक्राइब कर लियो तो भाई लाइक भी कर दो, मैं समझ रहा हूँ भीख मांग रहा हूँ, बट प्लीज़ कर दो भाई, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ आपने सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।